आ गए हावड़ा भाई राजा का हाल। दुर्मिधन हम लोग को लेने आया है, अब यहाँ से घर की तरफ हम लोग निकलेंगे। 3 महीना बाद में कोलकाता आया और सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। हावड़ा स्टेशन दिखेगा, देखिए अपना और ए सी मार्केट। सुबह का 5 बज रहा है, लोग सब कुछ आता है, निर्भर नहीं है। सामने भाई है, ये नजर है पीछे। हम आज का जो सरप्राइज है वो कुछ ऐसा है कि नहीं बताएंगे, नहीं चल के देखेंगे, वहाँ ज़्यादा बेटर होगा। एडी से भी मिलेंगे, 3 महीना हो गया एडी से भी नहीं मिले हैं, उससे भी मिलते हैं, मज़ा आएगा। देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है मिलने के बाद, उसका रिएक्शन हमको देखना है और उसको ही हम सबसे ज़्यादा मिस भी करते थे। एनी से मिलते हैं और देखते हैं क्या करती है। तो मैंने जो सरप्राइज कहा था वो सरप्राइज कुछ यही है। हम लोग घर में, तो ये था सरप्राइज। हम लोग अपने नए घर में हैं, यानी कि बहुत बड़ा मैं सपना था कि अपना खुद का स्टूडियो रूम हो जहाँ से हम लोग खुद का शूटिंग कर पाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पहले जहाँ रहते थे वहाँ डिस्टर्बेंस होता था, आवाज़ होता था, चिल्ला चिल्ली होता था, बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मैं अकेले रहने वाला हूँ और बस ये मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट स्टेज है जहाँ से हम शुरुआत करने वाले अपने नया जर्नी का, और देखते हैं जर्नी में हम क्या क्या हासिल कर पाते हैं। बेसिकली सब कुछ सही से हो जाए, पेपर वगैरह साइन हो गया, सब कुछ हो चुका है, डन हो चुका है, तो अब हम लोग इसमें रहेंगे और यहीं से काम करेंगे। चलिए रूम को एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे हम अपना स्टूडियो रूम रहेगा, कहाँ पे हम ट्रेडिंग बैठ के करेंगे, कौन सा बैकग्राउंड में मेरा यूट्यूब वीडियो पे अब शूटिंग होगा, तीन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम ये मेरा एंट्रेंस, यहाँ से मेरा एंट्रेंस है और ये मेरा बैक मतलब मेन डोर है। तो इसके बाहर ये देखिए, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे अपने रूम में और अब पीछे चलते हैं। एंट्रेंस होते ही एंटर करते ही ये मेरा सबसे पहला हॉल, ये मेरा हॉल रहेगा जहाँ पे अपना बैठ के अड्डाबाजी, मीन्स दोस्त यार अगर कोई आता है तो बैठेंगे। यहाँ पे कुछ लाया नहीं गया, सोफ़ा वगैरह आएगा तो बेसिकली अभी खाली है। और ठीक यहाँ से एक रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक उसके बगल में रूम है और ये किचन है और दो बाथरूम है। सिंपल सा चीज़ है, 900 स्क्वायर फुट का ये है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ले पाऊँगा, बट आखिर धीरे धीरे सब कुछ सपना पूरा हो रहा है। तो ये पिंक कलर है तो मेरा बैकग्राउंड में ये पिंक कलर भी हो जाएगा, तो हो सके तो ये मेरा ट्रेडिंग रूम बने, मीन जहाँ पर हम ट्रेडिंग करें। और उसके बाद ये ग्रीन कलर वाला जो है ये शायद मैं लिविंग रूम हो सकता है, यहाँ पे हम मतलब रेस्ट वगैरह करें, सोएंगे, बेड वगैरह रहेगा। और ठीक इसके बगल में किचन के साइड में ये एक और रूम है जहाँ पे शायद मेरा स्टूडियो रूम बने, यानी कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग करेंगे, अपना यूट्यूब वीडियो यहीं पे शूट करेंगे, यहीं पे हम अपना लाइट वगैरह सब लगाएंगे, बोर्ड भी है और एक लाइट वहाँ लग जाएगा और अम्ब्रेला वगैरह जो है वो सब आएगा, तो वो धीरे धीरे करके हो जाएगा। डेस्क भी कुछ बना हुआ है यहाँ पे पहले से, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, मेरा सामान हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का जो कि मॉर्निंग में हमको देखने को मिलेगा, ये सनराइज, और बहुत सुंदर नज़ारा है। कैमरा में शायद आपको ये नज़ारा समझ में ना आए बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ से मॉर्निंग में ये नज़ारा देखने के, जो कमाल का चीज़ है। ये देख के मैं मन खुश हो गया कि नहीं
अब अगर हम यहाँ पे बैठ के अगर आराम से ट्रेनिंग करेंगे ना तो शायद कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बाहर एक बार निकल जाए तो मन फ्रेश हो जाएगा। तो ये है बालकनी मेरा, यहाँ पे बेसिकली हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपना, जब भी कुछ सोचना हो, नया आइडिया क्रिएट करना हो। और ठीक इसके नीचे ही देखिए मेन रोड है, तो ये रोड पूरा एकदम पास में ही है मेन रोड के पास, यानी कि यहाँ से नीचे उतरते हमको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे कौन सा रूम में, यानी कि कौन सा रूम में हमको स्टूडियो रूम बनाना चाहिए, किस रूम में हमको ट्रेडिंग करना चाहिए और किस जगह पे रह के हमको अपना काम करना चाहिए अच्छे से, मैं बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब बहुतों के दिमाग में आएगा कि सर आप इतना जल्दी इतना कुछ कैसे किए, तो ये मेरा रेंटल होम है, मीन्स हम इसको रेंट में ले रहे हैं। अब ये मत पूछिए कि सर इतना पैसा, मीन्स अभी आप नए नए में कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, तो अभी बेसिकली हम जो फीस पाते हैं, यानी कि जो आप लोगों को पढ़ाते हैं जिससे हम फीस पाते हैं, वो फीस मेरा इतना होता है कि हम ये रेंट का खर्चा उठा सकते हैं, बेसिकली अभी हम ये रेंट का खर्चा उठा सकते हैं उस फीस से। तो थोड़ा हिम्मत हुआ तो मैंने ये स्टेप लिया और यहाँ से हम अपना जर्नी का आगे, मीन्स अपना लाइफ का जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का भी सपोर्ट से ही सब कुछ हुआ है, आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। बहुत अच्छा लग रहा है, अब भी हम आपको बता नहीं सकते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक नया जर्नी होने वाला है स्टार्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब यहीं से अपना सारा चीज़ है और जो क्लासेस वगैरह होगा वो भी यहीं पे होगा, मीन्स बैकग्राउंड में नो वॉइस। और सबसे पहला चीज़ यहाँ पे शांति है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं है, ये हमको बेस्ट पार्ट लगा। अभी रिसेंटली हम मुंबई से आए, कोलकाता आते आते सुबह में 5 बजे हम ट्रेन से उतरे और जस्ट घर गए, पुराने वाले घर में, वहाँ फ्रेश हुए और भागे दौड़े यहाँ पे आ गए, तो मेरा सामान वगैरह भी हम ला दिए थे, मीन्स अब हम यहीं पे रहेंगे। तो अब आगे का जर्नी आप लोगों के संग कंटिन्यू करना है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी आप ही लोग लेके जाएंगे, तो बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइफ इन ट्रेडिंग ग्रो करें, हम लोग सबको साथ में ग्रो करें, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, हम लोग नॉलेज के साथ में अर्न करें। नॉलेज से बड़ा पावर कुछ नहीं होता, पैसा आएगा जाएगा बट नॉलेज कभी नहीं जाएगा, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ से वॉचिंग स्टार्ट होगा, तो मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, अभी जाता हूँ सोने, थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सो लूँगा, उसके बाद बैक टू बैक अब वीडियोस आएगा। जैसे मेरा वीडियो आता था, एक वीडियो सारा दिन में आता था, 2 वीडियो बहुत रेयर ही होता था, अब हो सके तो 2-3 वीडियो भी आए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, क्रिएटिविटी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, मैं फ्री रहूँगा तो आराम से अपने लिए कुछ नया नया क्रिएटिव चीज़ लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को भी मज़ा आएगा वीडियोज़ देखने में और हम लोगों को भी मज़ा आएगा काम करने में। तो बस ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और साथ में ग्रो करें, बस यही उम्मीद करेंगे कि हर किसी को सक्सेस मिले और सबका अपना सपना पूरा हो। हालांकि ये मेरा अपना नहीं है बट बहुत अच्छा फील हो रहा है, सही बता रहा हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई डिसीजन लिया जिससे मुझे नहीं पता था कि हमको इतना खुशी मिलेगा, हिम्मत करके ले लिया हूँ। अब आगे का डिसीजन हमको नहीं पता क्या होगा, मीन्स जो भी सिचुएशन होगा उसको साथ में मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे ही कुछ ना नया हम लोगों को करते रहना है और कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में, ग्रीड को दूर रखना है, जो भी मिले ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बस अपना टेरिस और यहाँ से नज़ारा, सनराइज, अच्छा टेरेस भी अपना बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, यहाँ पे आके चिल आउट भी कर सकते हैं और टेरेस खुला ही रहता है शायद, अभी तक तो फिलहाल खुला हुआ था, यहाँ से हम लोग आए थे ऊपर के साइड और यहाँ से देखिए नीचे, इधर से और अच्छा दिखेगा। ये ठीक इसी के नीचे हम लोगों का है 3rd फ्लोर के, तो ऊपर से व्यू और कमाल का है, देखने में भी अच्छा है, साफ सुथरा जगह है, हमको तो बहुत पसंद आया, आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं।
तालाब भी है यहाँ। तो यही था टूर अपना घर का, और पसंद आया हो शायद आप लोगों को। अगर पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर। अब यहीं से सब कुछ स्टार्ट करना है, जितना कुछ भी पास्ट में हुआ वो सबको और आगे ग्रो करना है, इसी तरीक़े से और आगे बढ़ना है हम लोगों को लाइफ में। उतार चढ़ाव लगा रहेगा बट हिम्मत नहीं हारना है। मैंने स्टार्ट ये जर्नी ज़ीरो से किया था, और आज जो भी है सब आप लोग की बदौलत है। और अगर फिर ज़ीरो भी हो जाएगा तो अपने को तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हुए तो फिर ज़ीरो ही हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहेंगे, रिज़ल्ट जो भी हो देख लेंगे, समझ लेंगे, बस गिव अप नहीं करना, ट्रस्ट योरसेल्फ।